इस समाज में बुजुर्गों के बहुत खराब हालत हो गई। अनाथ आश्रमों में पकड़ करके छोड़ आते हैं। वहाँ भी मैंने कई आश्रम, अनाथ आश्रमों में गया हूँ, वृद्ध आश्रमों में गया हूँ, वहाँ भी बुजुर्गों का मतलब उनके स्थिति अच्छी नहीं है। चाहे खाने के लीजिए, दवाइयों के लीजिए, उनकी विचारों के तालमेल के लीजिए, आपस में भी उनकी कम बनती है। तो कारण क्या रहा कि हमारा समाज इस स्थिति में चला गया कि जो एक कमाने वाला, जो परिवार को संभालने वाला, जिसको पुराने समय में घर का मान सम्मान माना जाता था, घर की इज्जत माना जाता था, कि उसको कोई एक बार बोल दे उसके लिए जान तक देने के लिए लड़ाइयाँ हो जाती थी कि मेरे पिता को मेरे दादा के बारे में क्यों ऐसा वो बोला, हम ये कर देंगे। आज क्या ऐसी स्थिति हुई कि उन लोगों के लिए न घर में जगह है, न रिश्तेदारियों में जगह, न कोई रखने को तैयार होता है, न कोई दवाइयाँ उनकी कर रहा है, न कोई केयर कर रहा है। जिनको ज़रूरत नहीं उनकी तो केयर हो रही है, जो अपने आप को संभाल सकते हैं उनके तो पीछे चल रहा है सब कुछ कि आपने खाना खाया, पानी पिया, तबीयत कैसी है, कब आ रहे हो, क्या हो रहा है, कपड़े कौन से डाले। उनके लिए तो इतना हो रहा है कि सारा टाइम उन्हीं को दिया जा रहा है, और माता पिता के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए हम दूर होते जा रहे हैं। न उनकी आवाज़ अच्छी लगती है, न उनके काम अच्छे लगते हैं, न उनका कुछ भी सलाह देते हैं वो अच्छा लगता है। कुछ भी मतलब अगर पास से भी गुजर गए ना तो भी ये बोलते हैं ये और आ गया, इसको अभी टाइम लग गया था क्या। अगर कोई 10 बैठे हैं पास से, उनको ये बोलते हुए निकल जाए, सबको प्रणाम करते हुए निकल जाए कोई बुजुर्ग आदमी, तो भी उसकी कदर नहीं करते, हंसते हैं उसके ऊपर कि क्या हालत बना रखी है, क्या है ये, ऐसे लोगों को ऐसे तुम्हारे घर वाले क्यों रखते हो कि अभी अभी छोड़ाएंगे वृद्ध आश्रम में। ये उनकी सोच होती है, ये विचार है हमारी युवा पीढ़ी के। क्या इससे काम चल जाएगा? क्या उनको, हमको वृद्ध नहीं होना? क्या हम आयु की स्थिति में नहीं जाएंगे? क्या हम जो कर रहे हैं हमारे बच्चे उनको ग्रहण नहीं कर रहे? क्या वही संस्कार उनके मन में उत्पन्न नहीं होंगे कि माता पिता, तो हम बड़े होंगे माता पिता वृद्ध आश्रम में चले जाएंगे जहाँ दादा दादी हैं? कैसे होगा? न कुछ भी उनका हम नहीं कर पा रहे। कारण क्या है? हम सब कुछ भूल गए, अपने तक सीमित हो गए कि मैं खुश हूँ तो सब सही है, अगर इसको कुछ ज़रूरत है नहीं देंगे, अगर ये मर रहा है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है सामने मर रहे हैं, मैंने कहा पैसे ले जाओ, दवाइयाँ दिलवा दो, उन्होंने कहा तुम ही ले जाओ इनको, तुम ही दिखा लो इनको, और ऐसे पड़े पड़े बहुत बुरा हाल। हमने कोशिश भी की जितना हम कर सकते, अब भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे अकेले से नहीं होगा, सबको आवश्यकता है, सबकी आवश्यकता है। अगर आप एक एक दो दो बुजुर्ग को भी संभालोगे, इनको देखोगे, ये व्यवस्था नहीं होगी। उनके पास जो अनुभव है ना जीवन का, उसका कोई जोड़ नहीं है, उसकी कोई तुलना नहीं है, और वो अनुभव केवल उम्र से पैदा होता है, सीखने से पैदा होता है। उन्होंने जो गिर गिर करके, उठ उठ करके यहाँ तक पहुँचे हैं ना, जो उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है, जो आपको निशुल्क मिलेगा, जो किसी भी पैसे से, किसी से दूसरे से नहीं मिल सकता, जो आपके माता पिता आपका भला सोच सकते हैं, जो आपके माता पिता आपका भला कर सकते हैं, जो आपके जीवन के बारे में, आपके भविष्य के बारे में, आपके वर्तमान के बारे में, आपकी खुशी के बारे में,
आपके इच्छाओं के बारे में, आपकी पसंद नापसंद के बारे में, जो आपके माता पिता कर सकते हैं ना, कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में माता पिता को भगवान का दर्जा दिया गया है, गुरु का दर्जा दिया गया है। अरे गुरु मानो मत मानो उनको, भगवान मानो मत मानो, कम से कम हमारे अच्छे बुजुर्गों जैसी तो उनकी कदर करो। और जो ये हमारे इतिहास को उठा कर देखो, कितने लोगों ने अपने माता पिता के लिए क्या क्या किया है, कितने उदाहरण दूं मैं, इतिहास भरा पड़ा है। आप उठा करके देखिए, आपको पता भी है, और उनको उन्हें क्या प्राप्त हुआ ये भी पता है आप लोगों को, कि लोगों ने तो अमरता का वरदान पा लिया अपने माता पिता की सेवा करके, माता पिता की सेवा करके भगवान को प्रकट कर लिया, और तो सब छोटी चीज़ें हैं। तो आप लोग अपने माता पिता की इज्जत कीजिए, उनको मान सम्मान दीजिए। अगर कुछ भी ना कर सको तो कम से कम उनसे बैठ करके कुछ सीखने का प्रयत्न कीजिए, प्यार के दो बोल बोलिए। उनके जो बुजुर्गों की सेवा करते हैं, उनके पैर दबाते हैं, आयु विद्या यश और बल चारों वस्तुएं बिना मांगे ही उनको प्राप्त हो जाती हैं। तो बुजुर्गों के पास बैठ करके और कुछ सीखने का प्रयत्न कीजिए।